यहाँ का सबसे बड़ा शैतान दिखने में क्यूट है, लेकिन इसकी आंखें देखो इतनी डरावनी है। अभी ध्यान उसका फोन की तरफ है, इसलिए खेल नहीं रहा है। आ जाता है सुबह सुबह नींद खराब करने। तो हेलो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले जो मेरे आदरणीय दर्शक हैं उनको मेरा नमस्ते। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ी हूँ मैं सुनीता मनवाल में। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनीता मनवाल और स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, चलते हैं पढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो ये देखिए ककड़ी की छोटी छोटी ककड़ी भी लगने लग गई है, जिसको हम गढ़वाली में राधी बोलते हैं। तो ककड़ी की राधी भी लग गई है, ये देखो इतनी बड़ी बेल है ककड़ी की, ये देखो। और अभी आ रही हूँ अपने खेत में सब्जी निकालने, हरी सब्जी। तो ये निकालूंगी हरी सब्जी, इसको हम सुगोती बोलते हैं। तो इसको निकालूंगी और आज दोपहर के खाने में बनाऊंगी मैं चौसा भात और हरी सब्जी। तो सबसे पहले हरी सब्जी निकाल लेती हूँ मैं। और ये इतनी सारी सुगोती हो रखी हमारी, तो एक एक करके निकाल लेती हूँ सब्जी के लिए। और ये जो ये सगोती के पत्ते हैं बड़े बड़े, इनको बचा कर रखूँगी, क्योंकि आने वाली संक्रांति में इसे मच्छी बनाएंगे। ये सगोती के पत्तों की पकौड़ी, जिसको हम मच्छी बोलते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल मच्छी की आकार की बनाई जाती है, इसीलिए उनको मच्छी बोलते हैं। तो ये बड़े बड़े पत्ते बचा कर रखूँगी मैं संक्रांति के लिए। तो फिलहाल ये छोटे छोटे तोड़ देती हूँ सब्जी के लिए। और सगोती निकाल दी और इसमें थोड़ा चोलई भी निकाल देती हूँ, क्योंकि मिक्स हरी सब्ज़ी अच्छी लगती है। और ये निकाल दी है मैंने सब्ज़ी। तो हरी सब्ज़ी बनाने के लिए बहुत है इतना, ये देखिए। तो अब बनाती हूँ मैं हरी सब्ज़ी और चौसा, ये देखिए। और ये बन गया दोपहर के लंच में, ये देखिए खाना, चौसा भात और हरी सब्जी। बाहर है बारिश का मौसम, तो आज सुबह से बारिश लगी हुई है, एक भी टाइम बारिश बंद नहीं हुई है आज सुबह से। तो बाहर बारिश का मौसम है, ये देखिए। और चारों ओर कोहरा छा रखा है। और अंदर मेरे हस्बैंड कर रहे हैं तैयारी भजी बनाने की। तो अभी चाकू को धार लगा रहे हैं, आप चाकू को धार लगा रहे हैं। तो क्या और अब कर रहे मेरे हस्बैंड बैंगन की कटिंग भजी बनाने के लिए। तो भजी बनानी मुझे नहीं आती, इसीलिए मेरे हस्बैंड बना रहे हैं। तो बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट भजी बनाते हैं ये बैंगन की। और वैसे गाना सुन रहे। तो भजिया बनाने के लिए इनको पतला करना पड़ता है, वरना कच्चे रह जाते हैं, है ना। और बैंगन की कटिंग हो चुकी है और ये प्लेट ले ली है मेरे हस्बैंड ने। अब डालेंगे यहाँ पे बेसन। और ये डाल रहे हैं नमक स्वाद अनुसार। और ये ऐड कर दिया है मिर्च, वो भी स्वाद के अनुसार। और अब ये डाल रहे हैं पानी। और ये तैयार होने लग गया है
मसाला भजी के लिए, भजिया बैंगन भजिया। तो आज मेरे हस्बैंड का मूड सही लग रहा जो मैंने बोला और तुरंत कर लिया, वरना क्या बोले। पति देव जी इधर देख रही है ना, मूड ठीक है आज, लगता है काम करने का मन कर रहा मेरे पति देव का। और ये तावे पे डाल दिया है तेल, अब इसको गर्म होने के लिए रख देंगे, उसके बाद डालेंगे बैंगन। तो इसको अच्छे से मिला लेंगे मसाले में बैंगन को। और ये डाल दिया है तावे पे, अच्छी तरह से पकाएंगे। तो एक साथ आप जितने तावे पर आएंगे उतने डाल सकते हो, और जैसे ये एक साइड पकेंगे तो हमें चम्मच या करछी के सहारे दूसरे साइड पलट देना है इसको। नजर जिधर जिधर जाए उधर तो ही नजर आए, ये मेरे इश्क की इंतहा है सनम, ओ जिया जाए बिना तेरे अब नहीं जिया जाए। तो वो मेरे हस्बैंड एक बार देख रहे पगे पगे। अच्छा, तो ये चाकू से कैसे आप देख रहे कि पगे कि नहीं पगे? चाकू आसानी से धंस जाए तो समझ लेना पक गया है। अच्छा, लगे तो समझ जाओ कच्चा है, जैसे ये कच्चा है अभी। अच्छा ठीक। तो ये बन गया बैंगन भजिया, खाने में बहुत ही स्पाइसी एंड क्रिस्पी है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो,